अभी तो देखिए, तो टुडे वी आर गोइंग, दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ सेम मीनिंग वर्ड्स। तो सबसे पहले है फाइंड गेट। फाइंड का मतलब भी होता है पाना, और गेट का मतलब भी होता है पाना। कोई चीज जब अचानक मिलेगी तो फाइंड का प्रयोग करेंगे, जो चीज अचानक मिलेगी तो फाइंड का प्रयोग करेंगे, और जो पता होगा और मिलेगा तो गेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? जो अचानक मिलेगा, इस मान लिया कि मैंने बोला आई गॉट ऑब्लिक फाउंड 100 rupees ऑन द वे। आप बताओ कि गॉट या फाउंड? वेरी गुड। सी गॉट ऑब्लिक फाउंड अ गुड जॉब। यस, क्योंकि इंटरव्यू दे रही है, उसको पता है। समझ आ गया? चलिए राइट डाउन। सो नेक्स्ट है कैच एंड होल्ड। कैच का मतलब पकड़ना होता है, होल्ड का मतलब भी पकड़ना होता है। कैच का मतलब होता है अचानक पकड़ना, ट्राई करके पकड़ना, जिसमें गति हो, हलचल हो, पकड़ जिसमें मोमेंट हो पकड़ने में, तो कैच बोलते हैं। और होल्ड मतलब होता है आराम से पकड़ना, जैसे मैं ऐसे दूं आपको, ये क्या हो? कैच की होल्ड। और मैंने ऐसे फेंका तो क्या हो गया? कैच। क्योंकि इसमें आपको ट्राई करना पड़ता है। समझ में आ गया? कैच का मतलब पकड़ना, होल्ड का मतलब है कि पकड़ना। कैच बोलते हैं जो अचानक पकड़ना, या फिर ट्राई करके पकड़ना। होल्ड का मतलब होता है आराम से पकड़ना। जैसे आई कॉट ऑब्लिक हेल्ड अ रनिंग डॉग। आई कॉट ऑब्लिक हेल्ड अ रनिंग डॉग, क्या होगा? प्लीज कैच ऑब्लिक होल्ड माय फोन। प्लीज कैच ऑब्लिक होल्ड माय फोन, क्या होगा? यस, राइट डाउन। नेक्स्ट है राइज रेज। राइज का मतलब भी उगना, रेस का मतलब उगना। फर्क ये है कि ये खुद से उगना या उठना, खुद से या उगना या उठना। और रेस का मतलब उठाना, रेस का मतलब उठाना। जैसे मैंने बोला द सन राइजेज ऑब्लिक रेजेज इन द ईस्ट, क्या होगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट मैंने लिखा आई रोज ऑब्लिक रेस्ट माय वॉइस अगेंस्ट डॉरी। रोज या रेज? यस, क्योंकि राइज का मतलब खुद से उगना या उठना, रेस का मतलब उठाना या राइट डाउन। नेक्स्ट है से आस्क। से का मतलब ही कहना, आस्क का मतलब ही कहना। बोलता है आस्क का मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना, कुछ करने के लिए कहना। और से का मतलब कहना, आस्क का मतलब कुछ करने के लिए कहना, और से का मतलब कहना। जैसे ही सेड ऑब्लिक आस्क्ड आई विल नॉट गो। ही सेड ऑब्लिक आस्क्ड आई विल नॉट गो, क्या होगा? यस, अब मैंने लिखा सी सेड ऑब्लिक आस्क्ड मी टू गो। क्योंकि आस्क का मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना, और से का मतलब कहना। चलो राइट ऑन। नेक्स्ट है विश और बिल। देखो जैसे हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दोनों का अंतर समझ लो।
विश का प्रयोग करेंगे पार्टिंग के समय, विश का प्रयोग करेंगे मतलब मिलने के समय, मीटिंग के समय। अबिट का प्रयोग करेंगे डिपार्टिंग के समय, बिछड़ने के समय। बिट का प्रयोग कब करेंगे? बिछड़ने के समय। जैसे मैंने यहां पास लिखा सी विश ऑफ लीग, जैसे विश का जो वी टू होता है वो होता है विस्ड, वी थ्री जो होता है विस्ड, बिट का जो होता है वो होता है बेड, और वी थ्री जो होता है वो होता है वीड। तो मैंने बोला सी विश डब्ल्यू बेड मी गुड मॉर्निंग। अभी तक मेरी बातों को फिर से सुन लो, जो मिलने के समय होगा विश, जो बिछड़ने के समय होगा बीड। आप बोलो सी विश्ड मी ऑब्लिक बेड मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कब बोला जाता है? मिलने के समय, बिछड़ने के समय? तो क्या होगा? विश की बेड। नेक्स्ट मैंने लिखा ही विश्ड ऑब्लिक बेड मी गुड बाय। ही विश्ड ऑब्लिक बेड मी गुड बाय। गुड बाय कब बोला जाता है? तो विश्ड होगा या बेड होगा? यस, राइट डाउन। नेक्स्ट है रीच अराइव। रीच का मतलब पहुंचना, अराइव का मतलब पहुंचना। लिख लो रीच के पहले होता है कि वी डोंट यूज प्रीपोजिशन। रीच के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अराइव के साथ होता है वी यूज प्रीपोजिशन। अराइव के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। रीच का मतलब पहुंचना, अराइव का मतलब पहुंचना। फर्क इतना होता है कि रीच के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे और अराइव के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा आई अराइव्ड ऑब्लिक रीच्ड एट स्टेशन। दूसरा लिखा आई अराइव्ड ऑब्लिक रीच्ड स्टेशन। तो आई हैव रिटन टू सेंटेंस, आई अराइव्ड ऑब्लिक रीच्ड एट स्टेशन, आई अराइव्ड ऑब्लिक रीच्ड स्टेशन। तो फर्स्ट वन में कौन होगा? अराइव, क्योंकि यहां पर हमारा प्रीपोजिशन है और अराइव के साथ लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आई अराइव्ड ऑब्लिक रीच्ड स्टेशन, रीच्ड, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन नहीं है। चलिए राइट ऑन। ब्रिंग फेच, ब्रिंग का मतलब भी लाना और फेच का मतलब भी लाना। हेलो, देखो ब्रिंग का मतलब लाना और फेच का मतलब लाने के लिए जाना। फेच का मतलब लाने के लिए जाना और ब्रिंग का मतलब लाना। जैसे मैंने बोला ब्रिंग ऑब्लिक फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा लिखा सी वेंट टू हाउस टू ब्रिंग ऑब्लिक फेच वाटर। चलो ब्रिंग ऑब्लिक फेच अ ग्लास ऑफ वाटर क्या होगा? क्योंकि मैं बोलो लाओ, वहां है ऑलरेडी। नेक्स्ट है सी वेंट टू हाउस टू ब्रिंग ऑब्लिक फेच वाटर, क्या होगा? यस, राइट डाउन। थीफ, बगलर, रोबर, डकैत, तीनों का अंतर समझ लो। थीफ का मतलब होता है जब कोई ना रहे और चोरी करने वाला, जब कोई नहीं रहे और चोरी करने वाला थीफ। बगलर का मतलब होगा घर में घुसकर चोरी करने वाला, बगलर का मतलब घर में घुसकर चोरी करने वाला। रोबर का मतलब होगा चाकू या बंदूक दिखाकर लूटने वाला, चाकू या बंदूक दिखाकर लूटने वाला। और डकैत हो गया जो ग्रुप में लूटे, लुटेरा जो ग्रुप में लूटे उसको बोलते हैं डकैत। तीनों का मतलब समझ आ गया? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बना लेना, इसका कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है एड और हेल्प। देखो एड का मतलब भी मदद करना, हेल्प का मतलब भी होता है मदद करना। फर्क क्या वो समझ लो। एड का मतलब फाइनेंशियली मदद करना, एड का मतलब फाइनेंशियली मदद करना, और हेल्प का मतलब होता है हर तरह की मदद करना, फाइनेंशियली भी और ना फाइनेंशियली भी। क्लियर हो गया? जैसे मैंने लिखा C
सी एदर मी इन स्टडी सी एडेड मी विथ 500 ही हेल्ड मी विथ 500 सी हेल्ड मी इन स्टडी। चले पहला देखिए, पहला है कि सी एडेड मी इन स्टडी, इट इज राइट सेंटेंस और रॉन्ग सेंटेंस? यस, क्योंकि एडेड हम लोग फाइनेंशियली जब मदद किसी करेंगे तब एडेड का प्रयोग करेंगे, या फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है सी एडेड मी विथ 500, राइट और रॉन्ग? राइट, क्योंकि वी आर हेल्पिंग हियर विथ फाइनेंस। नेक्स्ट है ही हेल्प मी विथ 500, राइट और रॉन्ग? राइट, क्योंकि हेल्प का प्रयोग हर नहीं करते हैं, हर तरह की मदद में हेल्प का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सी हेल्प मी इन स्टडी, राइट और रॉन्ग? राइट। सो दिस इज द थर्ड क्लास। अगर मान लिया इन केस अगर कोई क्लास आपका मिस किया हो तो आप जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास की और सेकंड क्लास की और ये थर्ड क्लास की, तीनों की वीडियो है। अगर आप मिस किए हो तो आप उसको देख के क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? तो टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, राइट डाउन फर्स्ट।